इस सिचुएशन में देखो यहाँ पे एक सर्किट दिख रहा होगा आपको, दो इंडक्टर्स हैं, एक एल का और एक ट्वेल्व का, बट ट्वेल्व सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, एल कनेक्टेड है सर्किट से, एंड यहाँ पे नीचे में एक रेजिस्टेंस आर दिख रही होगी। इनिशियली सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, एट टी इक्वल टू जीरो स्विच इज थ्रोन फ्रॉम ए टू बी। पहले सर्किट स्टेडी स्टेट में था और उसके बाद फिर टी इक्वल टू जीरो पे हमने स्विच स्विच को ए से बी में कनेक्ट करना है। मतलब कुछ ऐसा दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये ए से बी इधर जाने वाला है, इधर से इधर, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है करंट इन इंडक्टर्स निकालना है एट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे स्विचिंग किया है एंड उसके बाद टाइम टी के बाद आपकी करंट कितनी मिलेगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब क्या करें, पहले सर्किट स्टेडी स्टेट में था ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं पहले इनिशियल करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हमें इनिशियल करंट निकालना आता है? सर्किट जब जब इंडक्टर स्टेडी स्टेट में होता है तो फिर उसमें करंट कितनी फ्लो करती है, कैसे निकालते हैं? इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके, रिमेम्बर? Yes, तो इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करोगे पहले, मतलब टी इक्वल टू जीरो के पहले की बात कर रहा हूँ, तो टी इक्वल टू जीरो के पहले अगर करंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट करो तो आपको दिखेगा एक क्लोज लूप बन रही है एंड उस क्लोज लूप में एक बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है, तो करंट कितनी फ्लो करेगी इसको इनिशियल करंट के लिए आई नॉट लिख ले रहे हैं, तो आई नॉट की वैल्यू आएगी दिस इज वी डिवाइडेड बाई आर। ये क्लियर है? दिस इज फॉर सर, दिस इज फॉर टी लेस देन जीरो। अरे बात समझ में आपको, टी लेस देन जीरो क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे आपने स्विच किया है, क्लियर है ना? ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। अब जैसे ही स्विच आपने इधर इधर से इधर थ्रो किया है, अब आपको पता है ना कि सडन चेंजेस ऑफ फ्लक्स अलाउड नहीं होता है, रिमेम्बर? मोमेंटम कंजर्वेशन की तरह जैसे हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं वैसे ही आप क्या है फ्लक्स कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं सर्किट्स में। तो अगर आप सर्किट में अगर आप देखते हैं कि जब भी स्विचिंग होती है एक एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आप स्विच को फेंक रहे हैं तो फिर उस केस में आप सडनली किसी भी सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जितना पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स था स्विच क्लोज करने के जस्ट पहले एंड स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद आपको फ्लक्स सेम मिलना चाहिए, तो बस इस कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे। सो सिंस magnetic flux cannot be changed suddenly in switching events flux just before matlab just before switching will be equal to flux just after switching। so just after mein agar hum baat kare तो जो करंट आपकी L में फ्लो करेगी क्या वही करंट आपकी 12 में भी फ्लो करेगी? कह सकते हैं सर? हाँ सर। अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन फ्रीज कर गई है। सो हमने ये दिखा रखा है कि स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद जो करंट फ्लो कर रही है उसको मान लेते हैं आई नॉट डैश है, ठीक है, आई नॉट डैश, ठीक है। तो अब ये आई नॉट डैश कैसे निकालेंगे? फ्लक्स कंजर्वेशन से। जस्ट बिफोर स्विचिंग फ्लक्स कितना था? एल इंटू आई नॉट था, एंड जस्ट आफ्टर स्विचिंग फ्लक्स कितना है? एल प्लस टू एल एंड इंटू आई नॉट डैश हो जाएगा। तो आपको दिखेगा यहाँ से कि आई नॉट डैश की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी आई नॉट बाई थ्री आ रही है, मतलब करंट वन थर्ड हो गया इमीडिएटली स्विच को, जैसे ही हमने इधर से इधर फेंका उसी इंस्टेंट पे हमारा करंट वन थर्ड हो गया है। बट ये क्या करंट आई नॉट बाई थ्री ही रहना है हमेशा या फिर अब ये रेजिस्टेंस के थ्रू आ गया है? इसका मतलब क्या है कि वापस से करंट का जो स्टेडी स्टेट का वैल्यू होगा फिर से जब आएगा, मतलब जब स्टेडी स्टेट आएगा फिर से, तो स्टेडी स्टेट में आपको पता है कि इंडक्टर्स को फिर से हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, और इंडक्टर्स अगर फिर से शॉर्ट सर्किट होगा तो फाइनली जो करंट जाएगी वो कितने पे पहुंचेगी? वापस से कितने पे पहुंचेगी? वी वाई आर पे पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, राइट? जब ये स्टेडी स्टेट आएगा तो करंट वापस से वी बाई आर पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या है आई नॉट पे वापस से पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट कर रहा है आई नॉट बाई थ्री से, बट ये जाएगा वापस से स्टेडी स्टेट पे, आई नॉट पॉइंट नॉट पे ही जाना है इसको, क्लियर है? तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, व्हेन अगेन स्टडी स्टेट इज अटेन्ड, अगेन स्टडी स्टेट इज अटेन्ड द करंट थ्रू द इंडक्टर्स विल बी वी बाई आर विच इज सेम एज आई नॉट, विच इज सेम एज आई नॉट, ठीक है। तो इसको अगर मैं डायग्राम में शो करूं तो वेरिएशन कैसा होना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे करंट की वेरिएशन हम शो कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमारी आई नॉट की लेवल है और स्टार्ट किया उसने यहां से आई नॉट बाई थ्री से स्टार्ट किया है और ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा वेरिएशन का, कुछ ऐसा ही होगा, होगा ही नहीं? देखो
होगा ही नहीं, होगा या नहीं? आपको ये याद है कि जब भी हम ऐसा कुछ एक ग्राफ चूज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये टाइम का फंक्शन है, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो करंट ही ले रहे हैं इंडक्टर के थ्रू, जब हम नॉर्मली लेते थे तो ये स्टेडी स्टेट करंट हम दिखाते थे, और ये इसको स्टार्ट यहाँ से जीरो से करते थे, तो ऐसा ग्राफ जब दिखाते थे, तो ये करंट की वैल्यू को हम कैसे लिखते थे, याद है आपको? ISS into 1 minus of e to the power minus t by tau, remember? याद है आपको? तो ये वाली जो डिफरेंस है, यही ISS होना चाहिए, ये ISS का होना चाहिए डिफरेंस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वो डिफरेंस कितनी है, ये देखो, ये स्टार्ट कर रहा है I0 by 3 से, इस बार ये I0 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, I0 by 3 से स्टार्ट कर रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2I0 by 3 होगी ना, समझ आ रही है? I0 minus 2I0 by 3, आ रही है बात समझ में? तो अगर हमारा ये x एक्सिस जो है, मतलब टाइम एक्सिस जो है, वो यहाँ पे अगर होता, तब इसकी वेरिएशन की वैल्यू कैसे लिखते आप, इसकी वेरिएशन की वैल्यू कैसे लिखते आप, ये बताओ तो कैसे लिखते आप, 2I0 by 3 into 1 minus of e to the power minus t by tau, लिखते हैं नहीं लिखते? आ रही बात समझ में आपको? बट आपकी और मतलब जो टाइम एक्सिस है वो तो थोड़ी नीचे लाई करती है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो आपका I0 by 3 पे शिफ्टेड है, तो I0 by 3 आपको ऐड कर देना यहाँ पे, that is what you need to do. तो यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू द फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट करते हैं, तो हमें क्या लिखना चाहिए, I0 by 3 आपका पहले से है, एंड प्लस यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं I0 minus of I0 by 3, जो कि 2 I0 by 3 है, एंड इनटू 1 minus of e to the power minus of t by tau आ जाएगा, एंड दैट बिकम्स, इसको ऐसे आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं I0 by 3 plus 2 I0 by 3 into 1 minus of e to the power minus of t by tau आ रहा है। अब जैसे एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक कर लो कि सब कुछ ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर मैं t equal to 0 डाल देता हूं, if I am putting t equal to 0, तो e to the power 0 becomes 1, so 1 minus 1 becomes 0, so current becomes I0 by 3, आ रही है क्या? आ रही है। And if I'm putting t equal to infinity, t की वैल्यू infinity डाल दें, so e to the power minus infinity becomes 0, so 1 minus 0 becomes 1, so I0 by 3 plus 2 I0 by 3, that becomes I0. आ रही है? हाँ सर। तो इसको मतलब मैच कर गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम थोड़ा सा स्मार्टली हमने काम किया, तो हमको वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना नहीं पड़ा। अगर नॉर्मली अगर बुक्स में सोल्यूशन देखोगे तो वो क्या करेंगे ना, एक बार ये I0 डैश फाइंड कर लिया है, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे KVL लगा लेंगे, और KVL लगाने के बाद I की लिमिट को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इनिशियल जो करंट था वो I0 by 3, वो इनिशियल वैल्यू डालेंगे t equal to 0 पे, एंड आफ्टर टाइम t वो I डालेंगे, फाइनली सॉल्व करने के बाद इक्वेशन ऐसा ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई चीज अगर ग्रोथ होती है, कोई भी चीज का अगर जीरो से एक फाइनाइट वैल्यू पे जाता है, तो उसके ग्रोथ का इक्वेशन एक कांस्टेंट इनटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau का फॉर्म होता है। कोई भी चीज अगर फाइनाइट वैल्यू से स्टार्ट करके जीरो पे जाती है, तो उसकी इक्वेशन हमेशा वो स्टार्टिंग वैल्यू इनटू e टू द पावर माइनस t बाय tau का ही फॉर्म होगा। तो इस कंसेप्ट को अगर आप याद रखते हैं, तो फिर ये चीज काफी आसान से दिख जाएगा आपको। बस यहाँ पे tau की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है कि tau की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे tau की वैल्यू कितनी होगी, tau की वैल्यू कितनी आएगी, LYR आएगी ना, आएगी ये L, L कितना लेंगे आप, क्या L लेंगे या फिर 3L लेंगे? देखो तो L और 2L सीरीज में है, दिख रहा है आपको? 3L लेंगे सर। 3L लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको L इक्विवेलेंट एंड डिवाइड बाय R लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3L एंड डिवाइड बाय R हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये आपका करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। क्लियर है सभी को? हाँ बोलिए सर। ऐसा ग्राफ अगर कहीं पर भी देखे तो क्या हम जरूर वो लिख सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ t is equal to the steady state value into 1 minus e to the power minus tau t by tau अगर 0 से स्टार्ट करता है? हाँ अगर 0 से स्टार्ट करता है तो वो इक्वेशन हमेशा वैसे ही होगा ना, बट अगर नॉन जीरो से स्टार्ट करता है तो जितने तो आपको इसी तरह से ब्रेक करके लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है, स्टार्टिंग वैल्यू एक है एंड जहां से स्टार्ट करके जहां पे जा रहा है उन दोनों का डिफरेंस देख लो, वो डिफरेंस का इक्वेशन एक्सपोनेंशियल वाला आएगा, तो डिफरेंस लिया एंड देन उसके साथ 1 माइनस e टू द माइनस t बाय tau लगा दिया एंड जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको ऐड कर दिया उसमें, दैट्स वही काम करता है, ठीक है? एंड जब इक्वेशन फ्रेम कर लोगे, जब इक्वेशन फ्रेम कर लोगे ना, तो जस्ट क्रॉस चेक कर लेना t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इनफिनिटी पे वैल्यू डाल के, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना, है नहीं है? अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सही फॉर्म किया आपने, तो जिस भी इंस्टेंट पे आप वैल्यू निकालो हर एक इंस्टेंट पे मैच करना चाहिए। तो आप बीच का किसी टाइम का तो आपको नहीं पता है, बट एटलीस्ट टी इक्वल टू 0 पे कितना होना है एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना होना है, ये तो आपको पता है ना, है या नहीं है? तो इसलिए इसको क्रॉस चेक करके तुरंत से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने इक्वेशन ठीक लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब कि कई कई बार वो क्वेश्चन में दे देता है कि ऐसा एक ग्राफ
फिर बोलता है कुछ सिचुएशन देके कि इसका इक्वेशन बनाओ, तो उसमें ये ग्राफ देख के तुरंत ही इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सर्किट में देखो उसने दे रखा है कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स ऑफ आई नॉट, ये दे रखा है। कॉन्स्टेंट करेंट सोर्स मतलब जैसे बैटरीज की अगर हम बात करते हैं, मतलब आइडियल बैटरीज की, तो वो सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब आप किसी भी डिवाइस को उसके अक्रॉस कनेक्ट करो, किसी भी डिवाइस को, वो अपने ईएमएफ के इक्वल का पोटेंशियल डिफरेंस उसको सप्लाई करेगा। दैट इज दिस मीनिंग ऑफ कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे दे रखा है उसने कांस्टेंट करंट सोर्स है, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप किसी के अक्रॉस भी कनेक्ट करोगे तो वो उसको क्या करेगा, एक कांस्टेंट करंट आई प्रोवाइड कर रहा होगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर। एंड इसमें क्या कर रखा है, हमने इसको एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको कनेक्ट कर दिया है। एंड टी इक्वल टू जीरो पे हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं। एंड पूछा है कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितनी होगी, मतलब आई वन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड आई टू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसको वापस से अगर हम कॉमन सेंस से अगर करें, एक बार पहले एनालिटिकली करते हैं फिर मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके भी समझा दूंगा। एनालिटिकली करें तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो इंडक्टर के थ्रू क्या करंट पास करेगा, उस इंस्टेंट पे मैं बोल रहा हूँ टी इक्वल टू जीरो पे क्या इंडक्टर के थ्रू करंट पास करेगा? नहीं सर, नहीं, क्योंकि इंडक्टर को सडन चेंजेस इन फ्लक्स पसंद नहीं है। तो अगर स्विच क्लोज करने के पहले जीरो था तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद भी ये जीरो ही होना चाहिए, तो इसलिए इनिशियली आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। बट जब स्टडी स्टेट अगर मान लेते हैं आ चुका होगा, जब स्टडी स्टेट आ चुका होगा, तब अगर स्टडी स्टेट आ चुका है इसका मतलब क्या है, इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा हो, राइट, क्योंकि उसमें फ्लक्स कांस्टेंट मिलेगा, राइट राइट। तो इंडक्टर अगर शॉर्ट सर्किट कर दिया, आपने सोचो इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो क्या रेजिस्टेंस में कोई करंट मिलेगा? करंट नहीं मिलेगा, तो सारा का सारा करंट किधर जा रहा होगा, इंडक्टर में, इंडक्टर से चला जाएगा। तो इंडक्टर में इनिशियली करंट जीरो है एंड बाद में जो करंट आ रही है वो आई नॉट आ रही है, क्योंकि सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट था ना आई नॉट वैल्यू कांस्टेंट था। तो इनिशियली इसने स्टार्ट किया जीरो से एंड स्टेडी स्टेट पे गया आई नॉट पे, तो क्या इसका इक्वेशन वैसा ही आना चाहिए, आई नॉट इनटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ आना चाहिए। बट अगर रेजिस्टेंस के लिए देखोगे तो उल्टा है, क्योंकि रेजिस्टेंस में इनिशियली सारा का सारा करंट इससे जा रहा था रेजिस्टेंस के थ्रू, राइट, एंड स्टेडी स्टेट आया तो रेजिस्टेंस में करंट कितना हो गया, जीरो, राइट सर। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का करंट का अगर इक्वेशन निकालते तो कैसा आता, I not initial current and then e to the power minus t by tau. तो expected जो है, मतलब ये वो उसी basis पे मैं directly लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मैं उसका फिर मैं आपको differential equation form करके भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसे, मतलब तरीके से अगर करेंगे subjective question अगर आएगा तो कैसे करते हैं, तो वो भी समझ में आना चाहिए आपको। जैसे एक चीज है कि आप ये हमेशा ये equation तो हमेशा लिख सकते हैं कि I not की value will be I1 plus I2, ये लिख सकते हैं ना, this is a simple case here, right? ये case तो हमेशा satisfy करेगा, ये तो charge conservation से related है, right? है ना? This is true at all instant. किसी भी instant पे निकालो ये हमेशा true होगा, ठीक है? अब at t equal to zero की अगर हम बात कर रहे हैं, at t equal to zero, तो t equal to zero पे I2 की value zero होगी। ये किस basis पे कह रहे हैं? Since sudden change in flux is not allowed. Sudden change in flux not allowed. And therefore जो I1 होगा, I1 इनिशियली होगा, मतलब at t equal to zero बात कर रहे हैं, that will be I0. And at t equal to infinity अगर हम बात करें, t equal to infinity पे, तो steady state आ चुका होगा, तो इसलिए I2 की value, ये आपका at t equal to infinity की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाली value जो आएगी, that will be I0. क्यों? Since inductor behaves at short circuit, inductor behaves as short circuit and hence all current passes through inductor. And therefore, आप लिख सकते हैं I1 at t equal to infinity, ये आपका zero हो जाएगा. And यहां से देख के हम ये definitely लिख पा देंगे कि I1 की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं तो यह आता I0 into e to the power minus t by tau, and अगर I2 की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं तो यह आता I0 into 1 minus of e to the power minus of t by tau, where tau would be L by R.
दिस इज द आंसर, मतलब ये गेस वर्क से मैंने एकदम बिल्कुल यू नो एनालिटिकल तरीके से किया है. अब अगर मैथमेटिकली आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप, बस यू नो एक इक्वेशन तो आपके पास ऑलरेडी है, आई नॉट की वैल्यू आई वन प्लस आई टू है, एंड दूसरा आप केवीएल लगाओ, मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे आप केवीएल लगा लो लूप में. तो अगर केवीएल लगाओगे वहां से भी मिल जाएगा, तो एक बार दिखाता हूं मैं आपको. जैसे पहला इक्वेशन हमने लिखा कि आई नॉट की वैल्यू इज आई वन प्लस आई टू लिखा है, ठीक है. तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि डी आई वन बाई डी टी विल बी नेगेटिव ऑफ डी आई टू बाई डी टी. क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आई नॉट तो कॉन्स्टेंट है, एंड आई नॉट अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा. तो ये हमेशा सेटिस्फाई करनी है आपको. अब ऑल्सो आपके पास एक और इक्वेशन है, केवीएल अगर लगाए तो केवीएल लगाओ इस लूप में, केवीएल लगाओ इस लूप में, यहां से मूव करके यहां पे पहुंचेंगे, ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो इंडक्टर के थ्रू जब मूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस एल इंटू डी आई टू बाई डी टी प्लस आई वन इंटू आर इक्वल टू जीरो आएगा ना, आएगा. हाँ, तो वो लिख लेते हैं एक बार, देखो क्या आ रहा है. सो केवीएल लगा रहे हैं, सो केवीएल इज माइनस ऑफ एल इंटू डी आई टू बाई डी टी माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ आई वन इंटू आर इक्वल टू जीरो, एंड आई टू को भी आई वन के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर लो. तो यहां से लिख सकते हैं माइनस ऑफ एल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल इंटू डी आई वन बाई डी टी एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई वन इंटू आर आ रही है. अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वो प्रूफ हो गया है, जो हमने निकाला था वो प्रूव हो चुका है. देखो ध्यान से देखो आपको दिख जाएगा. तो यहां से हम लिख सकते हैं एल इंटू डी आई वन बाई आई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर इंटू डी टी, एंड इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स डाल दो. आई वन इज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, इनिशियली रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट था, सारा था ना, सारा रेजिस्टेंस के थ्रू ही था, राइट, आई नॉट. तो यहां से इनिशियली आई नॉट था, सॉरी आई नॉट था, एंड आफ्टर टाइम टी हमने आई वन लिखना है, और ये जीरो से लेकर टी हो जाएगा. तो अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपके पास आ गई है एल एन ऑफ आई वन बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर बाई एल इंटू डी टी का इंटीग्रेशन विल बी टी. सो देयरफॉर आई वन बिकम्स आई नॉट इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, एंड जैसे आई नॉट आई वन मिल चुका है तो अब आई टू निकाल सकते हैं आप. आई टू विल बी आई नॉट माइनस ऑफ आई वन, सो दिस बिकम्स आई नॉट इंटू वन माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ. क्लियर है, क्लियर है? हाँ सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अगर सपोजली आपको ये पूछा है, जैसे रेजिस्टेंस में सोचो, रेजिस्टेंस में इनिशियली तो करंट था बट स्टेडी स्टेट में करंट नहीं है, तो क्या आपसे रेजिस्टेंस के थ्रू मतलब कितनी हीट डिसिपेशन हुई है, क्या ये फाइंड करने के लिए बोल सकते थे? क्योंकि आपके करंट क्या दिख रही है, आपको वेरिएबल दिख रही है ना, तो करंट अगर वेरिएबल है तो डायरेक्टली मतलब हीट निकालने के लिए आप टोटल हीट एनर्जी का डिसिपेटेड पूछे तो क्या कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर डी टी कर सकते हैं ना, और ये टाइम का लिमिट कहां से कहां होगा, जीरो से इंफिनिटी तक. तो अगर हीट डिसिपेटेड अगर पूछे, हीट डिसिपेटेड, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते, इंटीग्रेशन ऑफ आई वन का स्क्वायर इंटू आर डी टी कर लेते जीरो से लेके इंफिनिटी तक. एंड ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट की वैल्यू आई है, रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट की वैल्यू आ रही है, ये आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ का फॉर्म आ रहा है. तो आपका एक्सपोनेंशियल डीके का जो इक्वेशन है उसको जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, देखो आपको आई नॉट का स्क्वायर ये बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन में आपका हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ टू टी सॉरी टू टी बाई टाउ, एंड ये डी टी के साथ इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक. e टू द पावर माइनस टू टी बाई टाउ का इंटीग्रेशन करना है, t का कोफिशिएंट आपको पता है माइनस टू बाई टाउ है, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास, थोड़ा छोटा कर देते स्पेस नहीं मिल पे. तो इसकी वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये जाएगी i नॉट का स्क्वायर इनटू r, एंड लिमिट में जो आपका बाहर निकलना है वो है माइनस ऑफ टू बाई टाउ बाहर निकल जाएगा, एंड ई टू द पावर माइनस ऑफ टू टी बाई टाउ लिमिट में आपके पास रहना है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक. तो ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है ये वन आ जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, एंड माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगी आपके पास टाउ की वैल्यू को एल बाय आर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप, एंड आई नॉट तो कॉन्स्टेंट दी हुई है तो इसको लिख सकते हैं आप. जब सब्सटीट्यूट करोगे टाउ की वैल्यू एल बाय आर, तो एक आर कट जाएगा और ये एक्जैक्टली आ रही है हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर आ रही है, मतलब हाफ एल आई नॉट स्क्वायर का हीट एनर्जी बेसिकली डिसिपेट हो गया. समझ आइए, क्लियर है सभी को? अगर ये पूछता, बट ये तो पूछा नहीं है, बट मैं आपको जस्ट ध्यान रखा रहा हूँ कि ये सब चीजें भी पूछ सकते हैं आपसे. अगर करंट वेरिएबल होती है और हीट निकालनी है तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट करके ही निकालेंगे, ठीक है ना?
हाँ सर ठीक है हाँ सर हाँ सर ठीक है जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बल्ब्स आर आइडेंटिकल बल्ब देखो B1 B2 B3 तीन बल्ब दिखा रखे हैं और वो कह रहे हैं कि बल्ब आइडेंटिकल है फिर कह रहे हैं सर्किट वाज इन स्टेडी स्टेट एट टी लेस देन जीरो मतलब कोई एक टाइम है टी इक्वल टू जीरो जिसमें वो स्विच को देखो ओपन करते हुए दिखा रहे हैं स्विच इज ओपन एट टी इक्वल टू जीरो लिखा है और वो कह रहे हैं टी लेस देन जीरो के लिए स्विच जो सर्किट है अपना वो स्टेडी स्टेट में था उसके बाद वो कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं कि बल्ब का ब्राइटनेस को कंपेयर करो कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा कौन सा लेस ब्राइट होगा क्या आप गेस कर सकते हैं बता सकते हैं कौन सा ज्यादा ब्राइट कौन सा लेस ब्राइट होगा बताइए सोचिए आप सोचिए तब तक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आप मत ड्रॉ करिए आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा किसी को स्ट्राइक नहीं किया नहीं स्ट्राइक किया किसी को जब हमने स्विच को क्लोज किया है मतलब जब स्विच को क्लोज रखा था और स्टेडी स्टेट था मान लेते हैं तो इंडक्टर्स का बिहेवियर कैसा होता है कैसा बिहेवियर होता है इंडक्टर का शॉर्ट सर्किट देखो शॉर्ट सर्किट करके दिखा रखा है अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो करंट है वो अगर मैं यहाँ पे आई नॉट दिखाता हूँ यहाँ पे आई नॉट है तुम देखो सारे सारे जो रेजिस्टेंस है सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द बैटरी राइट दिख रही है आपको यस तो अगर मैं इंडिविजुअली करंट अगर यहाँ दिखाऊं यहाँ आई नॉट है यहाँ आई नॉट है और यहाँ आई नॉट है तो यहाँ पे मेन ब्रांच में 3 I0 होगा या नहीं होगा करंट है करेक्ट है ठीक है हाँ सर हाँ सर तो यहाँ पे AB वाले जो वायर दिखा रखा है वहां पे कितना करंट जा रहा है 2 I0 जा रहा है ना जा रहा है क्या 2 I0 हाँ सर एंड फिर वही यहाँ पे जब ये जाएगा तो यहाँ पे वापस से आपका I0 हो जाएगा CD वाले वायर में ये I0 हो जाएगा मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इंडक्टर जो A और B के बीच में कनेक्टेड है A और B के बीच में जो इंडक्टर कनेक्टेड है तो यहाँ पे जो आपको करंट दिख रही है दैट करंट इज बेसिकली 2 I0 एंड जो CD वाला जो इंडक्टर है उसमें जो करंट दिख रही है दैट इज I0 ठीक है जहां पे हमने बैटरी के थ्रू 3 I0 माना है ये जो सिचुएशन मैंने शो कर रखा है ये कब का है टी स्विच को खोलने के पहले या स्विच को खोलने के बाद का है ये कब का दिखा रखा है खोलने के पहले का ठीक है इंडक्टर्स की वैल्यू मान लो आपको दे रखी है यहाँ पे कुछ भी दे रखा है ये L है ये 2L है इससे मैटर नहीं करेगा ये L 2L मान लेते हैं दिया हुआ है ठीक है अब अगर देखोगे तो फिर से वापस से सेम कंसेप्ट है कि स्विच को जब आप खोल रहे हो तो सडन चेंजेस इन फ्लक्स आपका नहीं होना चाहिए बस इस कंसेप्ट को आपको यूज करना है तो अब आप देखो जो L इंडक्टर है उसके थ्रू फ्लक्स कितना है L into 2I है एंड जो CD वाला जो इंडक्टर है 2L उसके थ्रू भी फ्लक्स कितना है 2L into I0 है दिख रहा है ठीक है तो इनके थ्रू आप फ्लक्स को सडनली चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो अभी क्या होगा आपका जो सर्किट है उसमें इंडिविजुअली इनका फ्लक्स को मेंटेन करके आप टोटल सर्किट का भी फ्लक्स को मेंटेन कर पाएंगे तो 2 I0 आपका L के थ्रू रहेगा एंड 2L के थ्रू आपका I0 रहेगा एंड टोटल फ्लक्स आपका उस इंस्टेंट में आपका सेम मेंटेन मिलेगा तो अगर मैं T 40 > or = 0 की बात करूं मतलब ठीक है आप स्विच को ओपन कर रहे हैं स्विच को ओपन किया आपने तो स्विच को ओपन करने के बाद आपको यहां पे ये वाला पार्ट नहीं दिखाना ये स्विच खुल चुका है ठीक है देयर इज नो करंट थ्रू द बैटरी नाउ अब बैटरी के थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर सकती है ये V0 है अब ये फ्लो नहीं करेगी ये इंडक्टर अपना
सो दिस इज एल, इसमें आपकी टू आई नॉट फ्लो कर रही थी, एंड दिस इज टू एल, इसमें आपकी आई नॉट फ्लो कर रही थी. ठीक है, फ्लक्स हम सडनली चेंज नहीं कर सकते, बस इसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं. बट अब केसीएल भी तो अप्लाई करना है ना आपको, केसीएल फॉलो करना है, राइट? केसीएल फॉलो करना है ना, क्योंकि वो तो चार्ज कंजर्वेशन है, तो बेसिक चीज है, वो तो हर जगह यूज होगा. तो अभी देखो इस ब्रांच, ये देखो इस ब्रांच में मैंने टू आई नॉट दिखा रखा है और इस ब्रांच में आई नॉट दिखा रखा है, तो रिमेनिंग करंट किधर जाएगा? बीच वाले ब्रांच में जाएगा, राइट? हाँ सर. तो इसका मतलब इस ब्रांच का करंट हम लिख सकते हैं, इस ब्रांच का करंट, दिस इज टू आई नॉट माइनस ऑफ आई नॉट एंड दैट बिकम्स आई नॉट. ठीक है, और ये बल्ब्स कौन से थे? बी वन बी टू बी थ्री था. हाँ, बी वन बी टू बी थ्री. तो बी टू वाला जो बल्ब है उसमें करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है अभी भी, एंड बी थ्री वाला जो बल्ब है उसमें भी आई नॉट फ्लो कर रहा है. बट ये आई नॉट और ये आई नॉट और आई नॉट मिलके, देखो इधर का ये आई नॉट और इधर का ये आई नॉट, ये दोनों मिलके क्या इधर आ रहा है? आ रहे नहीं आ रहे? हाँ सर. तो बल्ब बी वन में क्या आई नॉट मिल रहा है या टू आई नॉट मिल रहा है? देखो टू कितनी मिल रही है, टू आई नॉट, यहाँ आई नॉट प्लस आई नॉट एंड दैट बिकम्स टू आई नॉट. तो इस बल्ब में आपको बी वन में आपको टू आई नॉट मिल रही है. तो इसका मतलब ब्राइटनेस किसका किसका कंपेयर करने के लिए बोला था उन्होंने, तो ब्राइटनेस सबसे ज्यादा किसका है? बल्ब बी वन का, एंड उसके बाद बी टू एंड बी थ्री का क्या होगा? आइडेंटिकल होगा. समझ आ रही है? क्लियर है? हाँ सर. सो बी वन इज मोस्ट ब्राइट एंड बी टू एंड बी थ्री सेम ब्राइटनेस होगा. क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन देखो, अ यू फ्रेम एबीसीडी इज स्लाइडिंग एंड अ स्लाइडिंग रॉड पीक्यू. एबीसीडी एक यू फ्रेम है एंड उसमें एक स्लाइडिंग रॉड है पीक्यू का, ऑफ रेजिस्टेंस आर, स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड टू वी रेस्पेक्टिवली. मतलब जो एबीसीडी का जो वायर फ्रेम है वो वी से मूव कर रहा है एंड जो स्लाइडिंग वायर है पीक्यू का वो आपका टू वी से मूव कर रहा है. पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, व्हेन द डिस्टेंस एपी इक्वल टू एल, डिस्टेंस एपी इक्वल टू एल, अच्छा एपी का डिस्टेंस एल दे रखा है, एट इक्वल टू जीरो, डिटरमाइन द करंट थ्रू द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इफ जस्ट बिफोर the rod PQ loses contact with the U frame. Okay. U frame के साथ जब वो contact lose करेगा तब के लिए आपको ये find out करनी है. और ये ध्यान रखनी है कि velocities जो है वो आपकी maintained है, मतलब जो PQ का wire का velocity दे रखा है वो 2V है and जो wire frame दे रखा है ABCD उसका velocity basically आपका V है. अगर आपको बोले कि you know contact lose करना है, तो contact lose कब होगा ये तो आपको पता चल रहा है. आप अगर फ्रेम को अपने फ्रेम को अगर यहाँ पे फिक्स करेंगे, अगर आप अपने फ्रेम को यहाँ फिक्स करते हैं तो आपको ये जो PQ वायर है उसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी? V relative कितनी दिखेगी? 2V minus V दिख रही है? दिख रही है? V relative जो है that is 2V minus V which is V and therefore अगर delta T अगर निकाले मतलब कितने देर में कॉन्टैक्ट लूज करनी है, तो कॉन्टैक्ट जो लूज करनी है वो कितने देर में लूज करनी है? L divided by V relative and that will be equal to L by V. मतलब बेसिकली आपको ये फाइंड आउट करना है कि L by V टाइम के बाद करंट इंडक्टर में कितनी फ्लो कर रही है. सो व्हाट वी आर फाइंड आउट, वी आर सपोज टू फाइंड आउट, वी आर टू फाइंड करंट थ्रू इंडक्टर एट T इक्वल टू L by V, कंसिडरिंग द डायग्राम टू बी डायग्राम शोन टू बी ऑफ T इक्वल टू जीरो, शोन टू बी ऑफ t इक्वल टू जीरो, मतलब t इक्वल टू जीरो का डायग्राम शो कर रखा है और l by v टाइम पे हमें ये फाइंड आउट करनी है. अब स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपको एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दिख रही है, तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के पास में अगर आप किसी चीज को मूव कराते हो वेलोसिटी v से, तो ऑब्वियसली उसमें एक मोशन ईएमएफ आएगी ना, आएगी? तो वो तो मोशन ईएमएफ आप तुरंत से निकाल सकते हैं. दोनों में मोशन ईएमएफ सेम आएगा या एक का डबल दूसरे में आएगा? क्या बेटा बोलिए सर, वो नीचे जो a डिस्टेंस दिखा रखा है वो कैसे दिखा रखा है वो समझ में नहीं आ रहा. वो डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें ऐसे होगा, ये यहां तक ए है, और यहां तक ए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो यहां तक. हाँ सर, ठीक है, समझ में आ रहा है. समझ आ गई है?
ठीक है तो समझ आ रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे करंट कैरिंग वायर दिखाता हूँ और यहाँ पे एक रॉड बना दिया मैंने, ठीक है, ये एक रॉड है और इस रॉड को हमने एक वेलोसिटी दे रखा है, इस पे एक वेलोसिटी वी दे रखी है, इसके एक एंड का डिस्टेंस आपको ए दे रखा है एंड दूसरे एंड का डिस्टेंस टू ए दे रखा है। इसमें मोस्टली आप इजिली निकाल सकते हैं, इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल सेक्शन कंसिडर करेंगे, सब हमने पहले कर रखा है, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे गए, यहाँ पे डी एक्स थिकनेस का एक छोटा सा स्ट्रिप चूज किया, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी वी है, तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी वी क्रॉस बी करके आप फाइंड आउट करेंगे। आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी दिख रही है अंदर की तरफ, है अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है बी, ये दिस इज बी इज एट अ पोजिशन एक्स एंड वी क्रॉस बी का डायरेक्शन देखोगे तो इस तरफ आ रही है, इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हुई है, दिस इज डी एप्सिलॉन। सो डी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी, वी इंटू बी वी बी इंटू डी एक्स, वी बी एल लगा रहे हैं, सो वी इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई एक्स एंड दैट मल्टीप्लाइड विद डी एक्स लिख लेंगे। तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगी एंड्स अक्रॉस एंड्स के अक्रॉस दैट विल बी म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाई टू पाई एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स एंड एक्स का लिमिट ए से टू ए है, ये तो क्लियरली आपका एल एन टू आएगा, दिख रहा है आपको, दिख रही है? हाँ सर। तो एक चीज देखो, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या सिर्फ और सिर्फ पीक्यू में होना है या सीडी सेगमेंट में भी होना है? सीडी सेगमेंट में भी तो एक कंडक्टर है, दिख रहा है आपको, सीडी में भी होगा, सीडी में भी होगा, दोनों में ही होगा। सीडी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो वी के प्रोपोर्शनल होगा एंड जो पीक्यू में जो इंडक्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टू वी के प्रोपोर्शनल। आ रही बात समझ में आपको? तो इसमें अगर आप यू नो इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें जो हमारा क्वेश्चन का इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा दिखेगा आपको? ऊपर में क्या था, स्पीक्यू था, ठीक है, तो यहाँ पे पी एंड है, यहाँ पे एक बैटरी बनाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा था उसने, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज टू एप्सिलॉन। टू एप्सिलॉन क्यों लिखा, क्योंकि उसमें टू वी वेलोसिटी था एंड यहाँ पे अपना दूसरा वाला सेगमेंट है जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है, दिस इज पी क्यू एंड दिस वॉज सी डी आई सपोज, हाँ डी सी है, दिस इज डी एंड दिस इज सी। अच्छा यहाँ पे भी की ईएमएफ इंड्यूस है, मैंने वो बताना भूल गया, बनाना भूल गया, यहाँ पे दिस विल बी ई। देखो तो क्लियर है, समझ आ रही है आपको, दिख रही है आपको? सिंस वी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इंड्यूस ईएमएफ भी कांस्टेंट होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो क्या ये एलआर सर्किट हो गया क्या, सिंपल एलआर सर्किट है या नहीं है? देखो तो ये सिंपल एलआर सर्किट है और एलआर सर्किट में आपको पता है ना करंट की वैल्यू कैसी होती है, एक स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ करंट है इनटू 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस t बाय टाउ का कॉम, राइट, करेक्ट है, करेक्ट है, हां सर। तो इसमें स्टेडी स्टेट करंट चाहिए तो कितना मिलेगा आपको, स्टेडी स्टेट करंट कितना है, 2e माइनस e एंड डिवाइडेड बाय r, सही है क्या, देखो तो e बाय r, तो इसका मतलब e बाय r है सिंपली, दिस इज e बाय r, ये स्टेडी स्टेट करंट है। तो अब इसमें करंट अगर मैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहा हूँ, दिस इज आई, इसको आई एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख लेते हैं, क्योंकि आई हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आई वो करंट कैरिंग वायर जो लॉन्ग वायर है उसका करंट दिया हुआ है, इसलिए मैं उसको आई नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो इंडक्टर के थ्रू करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलना है हमें, दैट विल बी आई एस एस इंटू 1 माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ, यही फॉर्म आ जाएगा। सो दिस बिकम्स आई एस एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, दिस इज ई बाई आर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टाउ। एंड अब आपको क्या पूछा था उसने, उसने पूछा था करंट कब के टाइम पे, t इक्वल टू एल वाई वी पे पूछा था ना, है ना, रिमेंबर, हां सर। t इक्वल टू एल वाई वी सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिल जाएगा करंट, सो देयरफॉर हमारा जो रिक्वायर्ड करंट है दैट विल बी e बाय r, e की वैल्यू ऑब्वियसली इज नोन क्वांटिटी, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दैट बिकम्स म्यू नॉट इनटू आई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू r इनटू 1 माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ t, t इज l बाय v and tau which is l by r, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आपकी करंट हो गई, समझ आई है? पर इस क्वेश्चन में वेलोसिटी वेरिएबल भी तब कैसे करते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी देंगे नहीं ना, तो वेरिएबल वेलोसिटी दिया नहीं है तो फिर क्यों, जो क्वेश्चन आपको क्रिएट नहीं करना है ना, क्वेश्चन आप क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर अगर मान लेते हैं वेलोसिटी आपको वेरिएबल मिलता
लेट्स से वेलोसिटी वेरिएबल है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वेरिएबल होगा। यस सर। तो उस केस में आपको केवीएल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। आप क्या करते हैं, आप केवीएल फॉर्म करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ खुद वेरिएबल है तो लूप में आपको करंट भी वेरिएबल मिलेगा, जो भी है उसको आप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम केवीएल लगा के तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी फंक्शन बनता है उसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करके फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक सिचुएशन दिखा रखा है देखो, जहां पे दो कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर रखा है प्लस क्यू माइनस क्यू, देखो दिखा रखा है, और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है। इनको C1 C2 ही कह लेते हैं, एक C1 है और एक C2 है, ठीक है? इसको मान लेते हैं C2 है। तो C1 इज चार्ज्ड एंड C2 इज अनचार्ज्ड इनिशियली, ये अनचार्ज है। एंड अब क्या कह रहे हैं, वो T=0 पे स्विच को क्लोज किया उन्होंने, एंड दे आर फाइंड आस्किंग अस फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर के थ्रू मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो कर रही है, फाइंड करनी है एक चीज। एंड दूसरी करनी है फाइंड द टाइम आफ्टर विच करंट इन इंडक्टर इज मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये दो चीजें फाइंड करनी है आपको। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने जो कॉमन क्लास जो किया था थर्सडे को, उसमें हमने एलसी ऑसिलेशन पढ़ा था, याद है आपको? और उस एलसी ऑसिलेशन में आपको पता है कि अगर किसी कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करके किसी इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटर का इंडक्ट मतलब जो ब्रांचेस में जो करंट होता है वो दोनों ही सिंपल हार्मोनिकली वेरी करते हैं, आपको याद है? हाँ सर। राइट, जिसको हमने एलसी ऑसिलेशन कहा था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे होने वाला है, बस डिफरेंस क्या होगा ये थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू विजुलाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशंस। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर था जिसको हम चार्ज करते थे एंड उसको हम क्या करते थे, डायरेक्टली एक इंडक्टर से कनेक्ट कर देते थे। तो कैपेसिटर में क्या साइकिल कैसा चलता था अगर आपको याद हो, तो अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है तो पहले जीरो हो रहा था चार्ज, और जब ये चार्ज जीरो हो गया तो इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद इंडक्टर में जब करंट मैक्सिमम हो गई तो उसके बाद फिर वो उसी डायरेक्शन में करंट फर्दर सप्लाई कर रहा था एंड कैपेसिटर को उल्टी तरफ चार्ज कर दे रहा था। रिमेम्बर, याद है आपको? तो जो प्लेट आपका प्लस क्यू से स्टार्ट कर रहा था वो माइनस क्यू पे पहुंच रहा था एंड फिर वो फिर वापस से उल्टी तरफ साइकिल करके फिर माइनस क्यू से वापस से जीरो में पहुंच रहा था। दिस इज सिमिलर टू सिचुएशन सेइंग जहां पे आप एक ब्लॉक को जीरो पोजीशन से स्टार्ट करते हो एंड देन खींच के अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके एकदम छोड़ दिया। तो एक्सट्रीम पोजीशन से ले जाके छोड़ेंगे तो जब ये मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एंड देन फिर वापस से आपका नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा फिर वापस से आएगा। तो ये x इक्वल टू माइनस ए से प्लस ए पे ऑसिलेट करता है। बट यहाँ का सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। कैसे डिफरेंट हो गया, अब ये समझाते हैं आपको। जैसे जब ये कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया इस सर्किट में तो दूसरा कैपेसिटर के पास देखो चार्ज ही नहीं है, दूसरा कैपेसिटर हैज नो चार्ज थ्रू इट, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, जब ये साइकिल चलेगा तो साइकिल कैसे चलेगा, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इस तरफ से ये चार्ज इधर से इधर फ्लो करना स्टार्ट करेगा, तो C2 चार्ज होना शुरू होगा और C1 डिस्चार्ज होना शुरू होगा। ये दिख रही है आपको, यहाँ पे आप चार्ज क्या दिखाओगे, यहाँ पे आप चार्ज दिखाओगे क्यू माइनस क्यू, तो यहाँ पे दिखाओगे आप प्लस क्यू आ गया। आई बात समझ में आपको, जितना चार्ज लेफ्ट वाले में घट गया उतना ही चार्ज दूसरे वाले में आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली प्लस माइनस क्यू वैसे ही आप दिखा सकते हैं, मतलब पेयर ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स के लिए वैसे ही। तो एक में चार्ज घटता जाएगा दूसरे में चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ये साइकिल कब तक, ये वाला पार्ट जो है वो कब तक चलता रहेगा, जब तक C1 अपना पूरा का पूरा चार्ज खो नहीं देता, राइट? अगर C1 ने अपना जो C1 ने अपना पूरा का पूरा चार्ज खो दिया तो उसकी सारी की सारी चार्ज कहाँ चली गई है, चार्ज तो कंजर्व रहना है तो सारी की सारी चार्ज कहाँ गई है, C2 के पास चली गई है, राइट? अब C2 अगर पूरा चार्ज हो गया है उसके बाद का साइकिल अब क्या होगा, अब C2 अगर पूरा चार्ज हो चुका है यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू आ चुका है तो अब यहाँ से अब ये इधर से डिस्चार्ज होगा, होगा नहीं होगा? होगा सर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो कैपेसिटर्स हैं, जो कैपेसिटर्स हैं उसके जो प्लेट्स हैं उसके चार्ज कभी भी पोलैरिटी में रिवर्स नहीं हो रहे, क्योंकि देखो अपर प्लेट ऑफ C1 था उसका चार्ज क्यू से जीरो हुआ बट जीरो से नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि अब कैपेसिटर जब C2 वाला चार्ज हो चुका था अब C2 वाले ने वापस से उल्टी तरफ चार्ज सप्लाई करना शुरू किया। तो ये बेसिकली सिचुएशन क्या है कि एक प्लेट का चार्ज जीरो से स्टार्ट करके एक क्यू पे, मतलब जीरो से स्टार्ट करके क्यू पे पहुंच रहा है फिर वापस से क्यू पे स्टार्ट करके वापस से जीरो पे आ जा रहा है। क्या आपको बात समझ आ रही है, आपको बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? एक प्लेट का चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है? एक प्लेट का चार्ज अगर देखोगे तो क्यू से स्टार्ट किया फिर जीरो पे पहुंच गया फिर जीरो से स्टार्ट करके फिर वापस से क्यू पे पहुंचा, नेगेटिव क्यू पे नहीं गया। समझ आ रही है? दिस इज सिमिलर टू सेइंग
ऑसिलेशन x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू एक्सट्रीम एंड a के बीच में हो रही है, जीरो से a के बीच में, तो मीन पोजीशन क्या जीरो है या a बाय टू है? अगर x इक्वल टू जीरो से अगर x इक्वल टू a के बीच में ऑसिलेशन हो रही है तो मीन पोजीशन कहां पे होगी? a बाय टू पे होगी ना। आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर। सेम तरीके से यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन में, यहाँ पे जो एलसी ऑसिलेशन हो रही है तो इस एलसी ऑसिलेशन का जो मीन वैल्यू ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, मीन वैल्यू ऑफ चार्ज की अगर हम बात करें, सो दैट मीन वैल्यू इज बेसिकली कैपिटल क्यू बाई टू एंड नॉट जीरो ओवर हियर। अंडरस्टूड या नॉट? आ रही बात समझ में आपको? तो बस यही चीज है, इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं है। आप चाहते हैं एक बार इसको वेरीफाई करने के लिए तो आप यू नो जस्ट के मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के आप एकदम बिल्कुल यू नो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ये तुरंत से हो जाएगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं टाइम टी के बाद अगर इक्वेशन लिखता, मतलब कि मान लेते हैं कि किसी भी एक टाइम टी के बाद इसमें करंट आई टी फ्लो कर रही है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस क्यू एंड यहाँ पे हम माइनस क्यू मान रहे हैं, तो ये वाली चार्ज चेंज होके आपकी हो जाएगी, ये वाली चार्ज चेंज होके हो जाएगी कैपिटल क्यू माइनस क्यू, और ये वाली चार्ज हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ कैपिटल क्यू माइनस क्यू। क्या आपको बात समझ आ रही है? जो इक्वेशंस लिखे मैंने समझ आ रही है, वैल्यूज लिखे समझ आ रही है, वैल्यू समझ आ रही है? हां सर। और ये करंट आपका डेफिनेटली रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सी टू है, तो उसको डी क्यू बाई डी टी भी आप लिख सकते हो। तो केवीएल अगर आप अप्लाई करोगे, केवीएल अगर आपने अप्लाई किया तो आप केवीएल अप्लाई करो, शुरुआत करो इस एंड से, मतलब इस एंड से शुरुआत करो, तो इस एंड से शुरुआत करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो प्लस मिलेगा, तो क्यू माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय सी प्लस, अच्छा नहीं प्लस माइनस होगा, माइनस ऑफ क्यू बाय सी एंड माइनस ऑफ एल इनटू डीआई बाय डीटी इज इक्वल टू जीरो। देखो आ रही है क्या? चेक करो एक बार, कंफर्म करो, आ रही है? हाँ सर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इनटू डीआई बाय डीटी विल बी इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं हम q माइनस ऑफ 2q एंड डिवाइडेड बाय c, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो एक बार चेक करो, लिख सकते हैं? हाँ सर। इसको वापस से रीअरेंज करते हैं, इसको लिख लेते हैं माइनस ऑफ 2 बाय c को कॉमन आउट कर ले तो ये देगी q माइनस ऑफ q बाय 2 आ जाएगी, एंड i को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं dq बाय dt, तो ये क्या हो जाएगी? l into d2q by dt2 is equal to minus of 2 by c, अच्छा l को हटा देते हैं यहाँ से, नीचे कर देते हैं, तो यह देखिए minus of 2 by lc and into q minus of q by 2। देखो तो ये standard SHM से आप compare कर पा रहे हो? आपको याद है standard SHM हमने जो पढ़ा था उसका equation कैसा था, याद है आपको? d2x by dt2 is equal to minus of ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स माइनस ऑफ एक्स नॉट, याद है आपको? ये एक्स नॉट क्या होता था? मीन पोजीशन होता था, याद है आपको? हाँ सर। राइट, अगर मीन पोजीशन जीरो पे होता है तब हम क्या लिखते हैं? सिंपली डी टू एक्स बाई डी टू इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, बट अगर मीन पोजीशन जीरो पे नहीं है तो आप क्या लिखते हैं? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट, जहां पे एक्स नॉट क्या होता है? लोकेशन ऑफ मीन पोजीशन। सेम चीज यहाँ पे भी तो आ रही है, आपको दिख रही है कि चार्ज का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ क्यू माइनस ऑफ क्यू बाई टू, तो क्यू माइनस क्यू बाई टू That is varying simple harmonically. तो इसका मतलब ये situation में आप ये sure होकर कह सकते हैं, therefore ये q minus of q by 2 that will be basically, अब इसकी value को आप कैसे लिखोगे? Amplitude कितनी आएगी आपकी? Amplitude कितनी आएगी? What is the amplitude of oscillation कैसे find करेंगे? आपका maximum charge कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक? Capital Q तक जाएगा ना? Capital Q. तो capital Q से q by 2 subtract कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Q by 2 ही तो आएगा. तो क्या लिखेंगे? Q by 2. And यहाँ पे ये जो हमने जो Q दिखा रखा है ये C2 कैपेसिटर का चार्ज है, तो C2 कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज जीरो है, राइट, है ना? इनिशियल चार्ज जीरो होने का मतलब देखो, जैसे अगर आप इसको SHM से कंपेयर करो तब आप अच्छे समझोगे। देखो जैसे ये मान लेते हैं ये हमारा चार्ज वाला एक्सिस है, ठीक है, ये चार्ज की एक्सिस है, मतलब जैसे पोजिशन की एक्सिस आप बोलते हैं, अच्छा इसको पहले पोजिशन से कोरिलेट कराता हूं आपको। अगर मान लेते हैं ये पोजिशन की एक्सिस है, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये x equal to a by 2 है और ये x equal to a है, ठीक है, एंड पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है अपने नेगेटिव एक्सट्रीम एंड से, ये तो कर रहा है ना स्टार्ट, राइट, है ना? हाँ सर। तो इनिशियल फेज अगर आप देखोगे, इनिशियल फेज कितनी है? माइनस पाई बाय 2 है ही नहीं, इनिशियल फेज आपको माइनस पाई बाय 2 दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है? q जो हम इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं? x x माइनस ऑफ a बाय 2 is equal to a by 2 into
sine of omega t plus phi i initial phase, and initial phase आपकी minus pi by 2 substitute कर देते, तो a by 2 into sine of omega t and minus of pi by 2 ही आ जाता. Same चीज आप इसके लिए use करो, charge के लिए use करो. तो charge के लिए भी equation use करोगे तो q minus of q by 2 is equal to q by 2 into यहाँ पे लिखते तो ये आता sine of this would have been omega t and minus of pi by 2 आता. आ रही बात समझ में आपको? ओमेगा कितनी है ये दिख रही है आपको? ओमेगा इज नॉट 1 बाय रूट अंडर एलसी. ओमेगा आपको दिख रहा है माय 2 बाय रूट अंडर एलसी आएगा. दिख रहा है आपको? मैंने 2 बाय एलसी का रूट आएगा. हियर ओमेगा इज 2 बाय एलसी का रूट आना है. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो ये आपको देखो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है. सो यहां पे q की वैल्यू अगर लिखोगे तो फाइनली आप लिख सकते हो q बाय 2 इनटू 1 प्लस sin ऑफ, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ cos ऑफ ओमेगा t. कैसा लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस cos ओमेगा t लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, राइट? हां सर. ठीक है, तो वही लिखा है हमने. तो ये चार्ज की वैल्यू जो फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया. अब अगर आपको करंट की वैल्यू चाहिए तो आप dq by dt कर सकते थे, एंड dq by dt जैसे ही करोगे तो यहां से q by 2 एंड cos का डिफरेंशिएशन बिकम sin, माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो q ओमेगा बाय 2 एंड दिस मल्टीप्लाइड विद sin ऑफ ओमेगा t आ जाएगा. समझ आ रही है आपको? क्लियर है? यस सर. तो मैक्सिमम करंट कितनी है? व्हाट इज मैक्सिमम करंट अगर i नॉट कह रहे हैं इसको, तो कितनी आएगी? q ओमेगा बाय 2. दिख रही है आपको? हां सर. ठीक है, ये आपने यू नो मैथमेटिकली निकाला है, मैथमेटिकली निकाला है, कंसेप्चुअली कुछ नहीं किया, बस एकदम बिल्कुल मैथमेटिक्स पे प्रोसीड करते गए, आपका आंसर आ गया है. बट मैं आपको थोड़ा सा एनालिटिकल तरीका बताता हूँ. देखो अगर ये मैक्सिमम करंट पहुंच रही है, मैक्सिमम करंट पहुंच रही है, इसका मतलब डी आई बाई डी टी जीरो होगा, होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? और अगर डी आई बाई डी टी जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर ये कितना होगा? जीरो होगा? जीरो. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर जीरो है, इसका मतलब क्या है? उसको हम शॉर्ट सर्किट करके रिप्लेस कर सकते थे, राइट सर? और जैसे इसको शॉर्ट सर्किट करके आपने रिप्लेस किया, तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना है. पता चल रहा है आपको? क्योंकि अगर आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो दिख रहा है आपको ये टर्मिनल्स? देखो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम दिखेगा. दिख रही है आपको? सेम. और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या? चार्जेस भी सेम होना है. चार्जेस भी सेम. और चार्जेस अगर सेम होगा तो कैपिटल क्यू बाई टू, कैपिटल क्यू बाई टू दोनों में आ जाएगा. कैपिटल क्यू बाई टू. हां सर. और लॉजिकली देखो ये फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है. अगर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा है, क्योंकि मीन पोजीशन तो कैपिटल क्यू बाई टू ही था ना, था ना? तो मीन पोजीशन से जब क्रॉस करता है तो क्या वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं होता है? मैक्सिमम होता है. हां. क्या वही चीज फिट बैठ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे चार्ज जब अपने मीन पोजीशन पे पहुंचा तो करंट मैक्सिमम हो गया. करंट मैक्सिमम होगा. हाँ हाँ. अंडरस्टूड. और ये मैक्सिमम करंट को निकालने के लिए डायरेक्टली बस एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो. एनर्जी कंजर्वेशन क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई डिसिपेटिव चीज है नहीं, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, तो टोटल एनर्जी आपको इस सर्किट में जो दिखेगी वो कॉन्स्टेंट दिखनी चाहिए. तो पहले क्या था, ये सारा का सारा एनर्जी कैपेसिटर में था, और किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर आप निकालोगे तो फिर उसमें कैपेसिटर में भी एनर्जी है और इंडक्टर में भी एनर्जी है, तो सम ऑफ एनर्जी तो आपकी इनिशियल एनर्जी से मैच करनी चाहिए ना. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर. ठीक है, तो आप उस तरीके से एक बार कर लेते हैं. ठीक है, मैं वो वाला सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ. ये मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा कम डिपेंडेंसी होगी हमारी इसमें. ये मैं ऑल्टरनेटिव करके दिखा दे रहा हूँ. ठीक है, ये पता चल रहा है एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज जीरो, देयरफॉर बोथ कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, कैपेसिटर्स हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देख सकते हैं सेम पोटेंशियल डिफरेंस. एंड अगर दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है, देयरफॉर आप एक चीज श्योर होकर कह सकते हैं कि दोनों में चार्जेस क्या होंगे? सेम होंगे. क्यू वन विल बी इक्वल टू क्यू टू एंड दैट विल बी कैपिटल क्यू बाई टू. करेक्ट है? ठीक है ना? And therefore, applying energy conservation, initial energy should be equal to final energy. Initial energy कितनी थी? Q square by 2C थी. And बाद में कितनी है? Q by 2 का square divided by 2C, और ऐसे दो capacitor हमारे पास, तो into 2 कर लिया, and plus half of L into I naught square कर लिया.
देखो आपको समझ आ रही है इक्वेशन, समझ आ रही है? यस सर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो यहाँ से, ये टू तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से थ्रू आउट, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर ये हो गया बाई फोर इंटू टू, मतलब वन हाफ हो जाएगा, इधर जाएगा तो वापस से हाफ आ जाएगा, यहां से आई नॉट की वैल्यू आ रही है क्यू बाई क्यू स्क्वायर, सॉरी आई नॉट स्क्वायर, अच्छा आई नॉट स्क्वायर है तो आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ रही है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ एल सी, यार ये क्या, चेक करो एक बार, आ रही है क्या, आ रही है, ठीक है, I नॉट की वैल्यू आपको मिल गई है, I नॉट जो मैक्सिमम करंट था अपना, that is coming out to be Q divided by root under of two times of LC आ रही है। एक बार रिजल्ट मैच करा लेते हैं, सेम आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, इसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी थी याद है आपको, ओमेगा वाज टू टाइम्स ऑफ वन बाई रूट एलसी था ना, सब्स्टिट्यूट करो देखो कितनी आ रही है, Q इंटू, चेक करो कितनी आ रही है, क्यू इंटू ओमेगा इज रूट अंडर टू बाई एल सी एंड डिवाइडेड बाई टू, क्या देखो सेम आ रहा है क्यू बाई रूट अंडर टू एल सी आ रही है क्या, हाँ सर सर, ठीक है, देखो एक में हमने कंसेप्चुअली किया, मतलब इतना डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ फॉर्म नहीं किया, बस बेसिकली ये कंसेप्ट को यूज किया है कि जब भी इंडक्टर के इंडक्टर वाले सर्किट में हमें मैक्सिमम करंट निकालना होता है तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो उसको शॉर्ट सर्किट करके उसके बाद फिर कहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इजीली एनालाइज किया जा सकता है, तो उसके बाद तो कभी कुछ बचता नहीं है, सिंपली टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें दूसरा पार्ट एक और पूछा था उन्होंने, टाइम आफ्टर विच करंट इन इंडक्टर इज मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो करंट जब जीरो से स्टार्ट कर रहा है एंड मैक्सिमम पे पहुंच रहा है और ये एलसी ऑसिलेशन का केस है, तो टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड तो आपको पता ही है 2 पाई यू नो 2 पाई बाय ओमेगा है, तो ये एसएचएम का जो टाइम पीरियड है उसका 1/4 आएगा, है ना, क्योंकि करंट कहां से कहां जा रहा है, जीरो से मैक्सिमम पे जा रहा है, राइट, जा रहा है नहीं जा रहा है, हां सर जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, सो देयरफॉर फॉर करंट टू स्टार्ट फ्रॉम zero value and to attain maximum value delta t will be jo time period of SHM hai uska 1/4 and that will be 2 pi by omega and iska 1/4। अब omega कैसे निकालेंगे, जैसे आप बोलोगे कि सर omega निकालने के लिए तो हमको ये integrate मतलब differential equation form करके करना ही पड़ा, बट मैं बोलूंगा लॉजिकली नहीं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंडक्टर वाले सर्किट में अक्रॉस द एंड्स ऑफ इंडक्टर, इसको अगर मैं ए और बी कह रहा हूं, तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द इंडक्टर आपको कैपेसिटेंस कितना दिख रहा है, क्या सी बाई टू दिख रहा है, सी इन सीरीज विद सी दिख रही है आपको, दिख रही नहीं दिख रही है, अक्रॉस द एंड्स ऑफ द इंडक्टर आपको कैपेसिटेंस सी बाई टू दिख रही है, तो फिर इस केस में जब आप ओमेगा निकालते थे तो अगर सिर्फ एक सी और सिर्फ एक एल होता था तो आप क्या लिखते थे, ओमेगा इनटू मतलब ओमेगा की वैल्यू को क्या लिखते थे, 1 बाय रूट अंडर एल सी लिखते थे ना, बट यहाँ पे क्या है, सी इक्विवेलेंट आएगी नहीं सर, तो बस वही लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर मुझे ये ओमेगा निकालना पड़ता, क्या ओमेगा वुड बी 1 बाय रूट अंडर एल इंटू सी अक्रॉस ए बी, कैपेसिटेंस जो लेना है आपको अक्रॉस द एंड्स ऑफ द इंडक्टर ही लेना है, एंड सी अक्रॉस ए बी जब निकालेंगे तो सी इन सीरीज विद सी दिखेगा, व्हिच इज बेसिकली सी बाई टू, सो देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू अगर लिखोगे तो कितने लिखोगे, रूट अंडर टू बाई एल सी लिखोगे, देखो मैच कर रही है ना, देखो मैंने यहाँ पे सेकंड वाला जो मेथड है उसमें देखो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म नहीं किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने वाला तरीका वो फर्स्ट वाले मेथड में आपको दिखाया है, क्लियर है, क्लियर है, यस सर, ठीक है, हां सर, एक मिलता जुलता है, थोड़ा सा ऑन द डिफिकल्ट साइड बोलूंगा इसको क्योंकि यहाँ पे बैटरी भी इन्वॉल्व हो रही है,
सिमिलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें भी वापस से वही मैक्सिमम करंट ही निकालने का क्वेश्चन है. मैक्सिमम करंट वापस से, मैक्सिमम करंट से इमीडिएटली हमें क्या पता चल रहा है, डी आई बाई डी टी जीरो, राइट राइट यस सर. और डी आई बाई डी टी अगर जीरो है इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर भी जीरो होगा, करेक्ट राइट यस सर. अच्छा ये देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा उसने, बिफोर टी इक्वल टू जीरो सर्किट वॉज इन स्टेडी स्टेट, मतलब सर्किट टी इक्वल टू जीरो से पहले वो तो स्टेडी स्टेट में था. तो अगर ये स्टेडी स्टेट में था तब के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस डायग्राम को मान लेते हैं फॉर टी लेस देन जीरो, अगर निकाले लेस देन जीरो के लिए, टी लेस देन जीरो के लिए अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व करता, तो आप इंडक्टर वाले ब्रांच को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं या शॉर्ट सर्किट करते हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, पक्का? आप सोचो ना, लॉजिकली सोचो कि उसमें करंट फ्लो करना चाहिए ना. अगर आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हो तो वहां से कहीं ना कहीं तो करंट फ्लो करना चाहिए. देखो यहाँ पे क्या करंट फ्लो का आपको मिलेगा, कैपेसिटर अगर चार्ज हो चुकी है, दोनों कैपेसिटर चार्ज हो चुकी है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, कैपेसिटर चार्ज हो चुकी है. हाँ सर. हाँ सर. और अगर कैपेसिटर चार्ज हो चुकी है तो इसके ब्रांच में क्या करंट मिलेगी आपको, नहीं. इसमें करंट नहीं है, अगर सोचो इसके दोनों ब्रांच में यहाँ करंट नहीं है और यहाँ करंट नहीं, तो क्या बीच में कोई करंट हो सकता है, नहीं हो सकता ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, जब सर्किट आपका टी लेस देन जीरो के लिए जब स्टेडी स्टेट में था, तब आपको कैपेसिटर को ओपन सर्किट दिखाना, और इसे ये पता चल रहा है कि बेसिकली इंडक्टर में भी करंट नहीं है. अंडरस्टैंडिंग? यस सर. टी लेस देन जीरो, फॉर टी लेस देन जीरो कैपेसिटर्स वर कंप्लीटली चार्ज, कैपेसिटर्स वर कंप्लीटली चार्ज, completely charged, and hence there would be no current everywhere, anywhere. There cannot be any current. There cannot be any current anywhere in the branch. Anywhere in the branch. किसी भी ब्रांच में कहीं पे भी कोई करंट नहीं हो सकती है इसमें. तो इसका मतलब ये हम सिचुएशन क्या शो कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इसमें इस लूप में आपको एक बैटरी दिख रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ईएमएफ सप्लाई कर रहा है, और एक बैटरी दिख रही है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ईएमएफ सप्लाई कर रहा है, दिख रहा है आपको? तो ईएमएफ ऑफ लूप कितनी आएगी, 2e माइनस ई, दिख रही है आपको? हाँ सर. ईएमएफ ऑफ लूप इज 2e माइनस ऑफ ई, एंड दैट इज बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड दैट बिकम्स ईएमएफ ई एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब है चार्ज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. कैपेसिटेंस ऑफ लूप कितनी आएगी, दोनों में चार्जेस सेम शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए C1 C2 सीरीज में, तो C इन सीरीज विद C, दैट बिकम्स C by 2, एंड देयरफॉर अगर हम चार्ज लिखते हैं तो चार्ज इंडिविजुअली जो दोनों में होगी, Q on each, दैट विल बी C by 2 into E आएगी, करेक्ट है? C भी लगा लिया, करेक्ट है? हाँ सर. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है. ये जो सर्किट मैंने ड्रॉ किया है, ये ध्यान रखना, ये हम टी लेस देन जीरो के लिए बात कर रहे हैं, मतलब जब स्विच को क्लोज किया है उससे पहले की बात कर रहे हैं. बट अब मान लेते हैं हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जब करंट मैक्सिमम होनी है. तो करंट अगर मैक्सिमम होनी है तो उस केस में ऑब्वियसली आपको पता है, चल रहा है कि इंडक्टर जो है एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, एंड इस केस में चार्जेस आपके वेरिएबल मिलने वाले हैं आपको. तो अब अगर मैंने इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिया, सोचो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो क्या C वाला कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब वो E रहा इस कैपेसिटर के लिए, क्या पोटेंशियल डिफरेंस E है या 2E है? देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस कैपेसिटर के क्रॉस, E या 2E? 2E है, 2E है, दिख रहा है आपको 2E. और लेंथ वाला जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, E है, दिख रहा है? E है, करेक्ट है, समझ आ रही है आपको? हाँ सर. तो उसको अगर मैं सर्किट को अगर आफ्टर, मतलब अगर मैं ये ड्रॉ करता हूँ, व्हेन करंट थ्रू इंडक्टर इज मैक्सिमम आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच, इसके बाद का सर्किट ड्रॉ करें, ठीक है? तो इस सर्किट में हमें क्या दिखना है, और यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं इस ब्रांच में, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, यहाँ पे अपना इंडक्टर वाला ब्रांच है जिसको हम शॉर्ट सर्किट करने वाले हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे इंडक्टर को,
और यहाँ पे एक बैटरी होगा, पोलैरिटी ठीक दिखा रहे हैं, ठीक दिखा रहे हैं, और यहाँ पे एक और बैटरी होगा, ये चेक करो, तो इसकी EMF E, इसकी EMF 2E, ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C, ये इंडक्टर के ब्रांच को मैं A और B नाम देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा सिंबॉलिकली पता चले कि मैंने क्या किया, यहाँ A है और यहाँ पे B है, क्लियर है? तो अब इंडिविजुअली चार्जेस इसमें कितनी पता चल रही है, यहाँ पे इंडक्टर का थोड़ा ब्रांच जो भी है इसको I नॉट कह लेते हैं, ठीक है, इस ब्रांच में करंट मान लेते हैं I नॉट फ्लो कर रही है। तो अभी इसमें जो चार्जेस हमें दिखानी है, तो जो इसका चार्ज अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, लेट अस से दिस इज प्लस क्यू वन, दिस विल बी माइनस क्यू वन, दिस विल बी प्लस क्यू टू एंड दिस विल बी माइनस क्यू टू। क्यू वन की वैल्यू इज सी इंटू टू ई, दिख रही है आपको, दिख रही है? हाँ सर। तो ये Q के टर्म्स में कितना है, चार गुना है ना, दिस इज फोर टाइम्स ऑफ Q, है नहीं है, क्योंकि Q वाज C बाय 2 इनटू E, रिमेंबर, राइट? हाँ सर। एंड सिमिलर तरीके से अगर Q2 की वैल्यू लिखे तो कितनी है, ये C इनटू E है एंड दैट इज बेसिकली 2Q, करेक्ट है? हाँ सर। अब ये ध्यान दो कि पोलैरिटी मैंने किधर रखी है, जो मतलब लेफ्ट वाला कैपेसिटर है उसके लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव है एंड राइट वाला जो कैपेसिटर है उसके राइट प्लेट पे पॉजिटिव है, क्योंकि बैटरी का पोलैरिटी देख के डिसाइड किया है, ठीक है? अब इसको वापस से प्रीवियस सर्किट से अपना कंपेयर करो, प्रीवियस सर्किट से देखो, जो लेफ्ट वाला कैपेसिटर है उसका चार्ज आपको कितना दिख रहा है, माइनस क्यू दिख रहा है, हाँ सर, दिख रही है? एंड ये चार्ज को आपको चेंज करके कहां तक लेके जाना है, 2Q तक लेके जाना है ना, देखो चेक करो, Q2 was 2Q, right? 2Q, हाँ, yes sir. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, this is plus 2Q पे जाना है, ठीक है? This is to go to plus 2Q, तो obviously ये वाला चार्ज आपका minus 2Q पे चला जाएगा। सेम चीज अभी इस पे देखो, जो कैपेसिटर राइट वाला कैपेसिटर है उसका राइट प्लेट पे देखो, पहले चार्ज आपका प्लस क्यू है एंड बाद में चार्ज कितना होना है, 4Q होना है ना, प्लस 4Q होना है, दिख रहा है? तो इस चार्ज को हम दिखाएंगे यहाँ पे, दिस विल बी प्लस 4Q और जो लेफ्ट वाला प्लेट है इस पे दिखाएंगे माइनस ऑफ 4Q। अब देखो इंडिविजुअली दोनों बैटरी में कितना कितना चार्ज फ्लो किया, क्या आपको ये पता चल रहा है, व्हाट इज द चार्ज फ्लो, जो लेफ्ट वाला बैटरी है उसमें कितना चार्ज फ्लो किया, 3Q फ्लो किया है ना, दोनों तरफ ही 3Q, 3Q इधर भी फ्लो किया है, गुड। और राइट वाला बैटरी में भी आपका जो चार्ज फ्लो किया डेल्टा Q2 कह रहे हैं, दैट विल बी 4Q, सॉरी 3Q, समझ आ रही है आपको? अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी डिसिपेटेड सोर्सेस नहीं है, मतलब कहीं पे भी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अगर नहीं हो रही है तो एक चीज श्योर है ना कि वर्क डन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? अगर डिसिपेशन होता तो क्या करते हैं, वर्क डन बाय बैटरी इज चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द हीट डिसिपेशन, राइट, है ना? बट इस हीट डिसिपेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी कराने वाला कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा, रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, सो देयर इज नो लॉस ओवर हियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो बस यही काम करेंगे, सो जस्ट मैं अब वही काम कर रहा हूँ, सो व्हाट वी डू इज नाउ वर्क डन बाय बैटरी, समेशन ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, क्योंकि एक बैटरी तो है नहीं, मल्टीपल बैटरीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो समेशन ऑफ वर्क डन बाय बैटरी विल बी चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट्स इट। एनर्जी कहाँ कहाँ पे रह सकता है, कैपेसिटर में रह सकता है और इंडक्टर में भी रह सकता है, दोनों में रह सकता है, पहले तो इंडक्टर में कोई एनर्जी नहीं थी बट बाद में तो है ना, है ही नहीं बाद में, है ना, इंडक्टर के बाद में एनर्जी, राइट? तो उसको यूज करो, बैटरी ने कितना वर्क किया कैसे निकालते हैं, चार्ज फ्लो मल्टीप्लाइड बाय ईएमएफ, रिमेंबर, रिमेंबर, दोनों में देखो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ डायरेक्शन ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही फ्लो कर रहा है, तो डेल्टा क्यू वन विच इज 3Q इनटू E एंड डेल्टा 2Q विच इज 3Q एंड मल्टीप्लाइड बाय 2E, तो वर्क डन बाय बैटरी विल बी 3Q इनटू E प्लस 3Q इनटू 2E, करेक्ट है? ठीक है, हां सर। एंड चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल एनर्जी इज 2Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C प्लस 4Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C प्लस हाफ L इनटू I नॉट का स्क्वायर, दिस इज द फाइनल एनर्जी, माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी करनी है, इनिशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, कितनी थी, तो दोनों में आपको याद है चार्ज कितने का था, C मतलब Q का था ना,
तो दोनों में अगर चार्ज क्यू का था तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी करके सिंपली दो गुना कर ले, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी एंड इसका दो गुना कर लिया। देखो करेक्ट है, समझ आ रही है आपको, एक्सप्रेशन समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से आपके पास कितनी आ रही है, 3 2 6 6 + 3 9, सो 9 टाइम्स ऑफ क्यू इनटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ से आ रही है आपके पास 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 2 बच जाएगा, 4 4 16, तो यहाँ पे 8 बचेगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच रहा है आपके पास 8 और 2 10, 10 में से 1 चला गया मतलब 9, तो 9 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी आ रही है एंड प्लस हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर आ रही है। देखो तो चेक करो एक बार, सही लिखा है मैंने, जैसे एक बार कैलकुलेशन देख लो, ठीक है? ठीक है सर। और क्यू की वैल्यू कितनी थी वो हमें पता है, क्यू की वैल्यू कितनी थी उसकी थी हमने सी ई बाई टू थी, उसको यूज करेंगे सी बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं 9 सी सॉरी सी इंटू ई स्क्वायर बाई टू एंड माइनस ऑफ 9 बाई सी इंटू सी स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एंड इज इक्वल टू हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर। सो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा अपने पास, तो यहाँ से बच रही है 9 बाई 2 माइनस, अच्छा 9 माइनस 9 बाई 2 विच इज 9 बाई 2 ओनली, तो 9 बाई 2 टाइम्स ऑफ सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू आई नॉट स्क्वायर आ रही है। सो आई नॉट की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको, सो आई नॉट इज कमिंग आउट टू बी रूट अंडर ऑफ 9 बाई 2 सी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये डिफिकल्ट बेसिकली बैटरी आने की वजह से हुआ, अदरवाइज ऐसा जस्ट कुछ काम मतलब अलग से कुछ नहीं किया है, बट बैटरी का वर्क कैसे निकालते हैं ये आपको पहले से पता था, बस उसको यूज करना था कि कैसे यूज करना है। आई होप सबको समझ आ गई है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे भी सिमिलर सा सिचुएशन है, यहाँ पे एक स्फेरिकल शेल है, उस स्फेरिकल शेल को उसने चार्ज करके उसके बाद फिर एक इंडक्टर एंड एक दूसरा अनचार्ज शेल के साथ कनेक्ट करने वाला है, जिस इंस्टेंट पे क्लोज कर रहे हैं मतलब कनेक्ट कर रहे हैं उस इंस्टेंट को टी इक्वल टू जीरो कह रखा है, एंड दो चीजें फाइंड करनी है, पहला मैक्सिमम करंट इंडक्टर में कितनी फ्लो करेगी एंड दूसरा जो जब करंट मैक्सिमम हो रही है तब कितना टाइम बीत चुका है, ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब इसमें क्या करें, वापस से देखो इसको, अगर देखोगे तो ये थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन देखो इससे एकदम बिल्कुल सेम ही है। देखो लेफ्ट में एक कैपेसिटर दिख रहा है आपको, उसको चार्ज किया, उसके बाद एक स्विच के थ्रू एक अनचार्ज कैपेसिटर और एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ सर। ये वाला सिचुएशन उससे कैसे डिफरेंट है, देखो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्या डिफरेंस है? कुछ भी, क्योंकि आपको पता ना कि आइसोलेटेड शेल को भी एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं सर, करते हैं ना, तो बस ये क्या हो गया, वही सेम सिनेरियो हो गया, मतलब इसमें भी बेसिकली एलसी ऑसिलेशन, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू एलसी ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पे आपके पास सिचुएशन कैसा है, वही है, सेम सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको आपने चार्ज करके रखा हुआ है, इसमें यहाँ पे प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू मान लो आप यहाँ पे, आप जस्ट इमेजिन करो कि दूसरा वाला इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे ग्राउंडेड है, इन्फिनिटी जो है उसको जीरो पोटेंशियल पे चूज करते हैं ना, राइट? इन्फिनिटी पे बेसिकली जीरो पोटेंशियल होती है, तो उसको ग्राउंडेड की तरह मान सकते हैं, और यहाँ पे एक इंडक्टर है और इसको आप एक स्विच के थ्रू एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करने वाले हैं, और अनचार्ज के पैसे मतलब दोनों में आपके पास कोई चार्ज नहीं, दोनों प्लेट्स में से किसी के पे भी, और इसका भी दूसरा एंड आपका इनफिनिटी पे, दिस इज एट इनफिनिटी, ये कैपेसिटर सी का है, ये भी कैपेसिटर सी है, एंड सी इज बेसिकली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आ रही बात समझ आप? आ रही है? क्लियर। आपको पता है मैक्सिमम करंट मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है, डीआईबीटी जीरो, एंड डीआईबीटी जीरो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज जीरो, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंडक्टर के अक्रॉस जीरो आ रही है
इसका मतलब क्या है, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके रिप्लेस कर सकते हैं, तो दोनों ही कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, राइट? तो इसका मतलब जब यहाँ पे करंट अगर मैं जीरो दिखा रहा हूँ, ये करंट को अगर मैं जीरो दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब जब आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी करंट जीरो नहीं, करंट मैक्सिमम आ रही है, ये करंट आपकी मैक्सिमम है, इसको क्लोज करने के बाद करंट आपकी मैक्सिमम दिख रही है, तो उस केस में ये वाली चार्ज आपकी चेंज होके माइनस क्यू बाई टू, ये आपकी प्लस क्यू बाई टू, एंड ये वाली चार्ज आपकी प्लस क्यू बाई टू, एंड ये आपकी माइनस क्यू बाई टू, इसी पे जानी है, एंड उसके बाद तो आपको पता ही है मैक्सिमम बस एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है, या फिर डायरेक्टली आप मतलब SHM का रिजल्ट को यूज कर सकते हैं कि जब मैक्सिमम करंट निकालते हैं, मैक्सिमम करंट निकालते हैं, आई मैक्स फाइंड करते हैं, तो क्या वैल्यू लिखते हैं, दिस इज ओमेगा टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब क्यू का एम्पलीट्यूड, समझ आ रही है आपको, क्यू सबस्क्रिप्ट में एम्प लिखा है, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, क्यू है या क्यू बाई टू है, एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, क्यू है या क्यू बाई टू है, सर क्यू बाई टू है, क्यू बाई टू है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से फिर मैक्सिमम, वो वाला केस है, नेगेटिव चार्ज का भी पहुंच, मतलब एक प्लेट की अगर चार्ज की बात कर रहे हैं तो पोलैरिटी चेंज नहीं कर रही है, तो इस ओमेगा का वैल्यू आपको पता है कैसे निकालना है, ओमेगा इज वन बाई रूट अंडर ऑफ एल सी, और सी में आपको दोनों सी का सीरीज लेना है, तो एल इंटू सी इन सीरीज विद सी लिखेंगे, एंड क्यू का एम्पलीट्यूड जो है दैट इज क्यू बाई टू, सो दैट बिकम्स वन बाई, ये तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये 2 बाई एल सी कर लेते हैं, 2 बाई एल सी, एंड इसका रूट आ जाएगा, एंड इसके साथ आपका q बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस बिकम्स रूट अंडर, सॉरी q डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ एल सी, एंड सी आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है, उसको बस सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये मैक्सिमम करंट आपको मिल चुकी है, एंड दूसरा उसने पूछा था कि कितने देर के बाद ये करंट मैक्सिमम हुई है, तो ये तो आपको पता है अगर करंट जीरो से स्टार्ट करके अगर मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है तो दैट इज 1/4 ऑफ ऑसिलेशन, तो ये पहले पार्ट का आंसर मिल गया है, अभी सेकंड पार्ट के आंसर के लिए कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखेंगे आप, करंट थ्रू इंडक्टर रीचेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, सो देयरफॉर जो आपकी टाइम होगी दैट विल बी 1/4 ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 1/4 ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई रूट अंडर ऑफ एल सी बाई टू, एंड दिस, अच्छा ठीक है तो हो ही गया, बस यहाँ से ये तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू इंटू रूट अंडर एल सी बाई टू हो जाएगा, देखो समझ आइए नहीं आइए, क्लियर है सभी को,